बैक टू माई चैनल गाइस। तो आज हम देखेंगे बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और निफ्टी में कहाँ पे मूवमेंट किया है और कहाँ पे हमने ट्रेड पोजीशन बनाया हुआ है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड में इसे कर ले रहा हूँ। ओके गाइस, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे गाइस, तो हम लोग ने जो यहाँ पे मॉर्निंग के समय पे ट्रेड लिया था, वो हम लोग का यहाँ पे एक ट्रेड बना था एक एम पैटर्न पे। मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ है, आप देख रहे हैं, और यहीं से ये इसने कंटिन्यू यहाँ पे इसने फॉल किया हुआ है। अगर हम यहाँ पे इसको देख रहे हैं, तो ये आपका 9:15 कैंडल है, और इसके बाद इसने एक कंटिन्यू यहाँ पे फॉल किया जो हमारा लेवल्स था, और उसके बाद यहाँ पे एक रिटेस्ट किया और कंटिन्यू यहाँ पे फॉल किया। उसके बाद यहाँ पे एक मार्केट वापस से इस रेजिस्टेंस पर आया और वहाँ पर एक डबल टॉप क्रिएट किया, और यहाँ पे हमारी एंट्री बनी थी और एक अच्छा टारगेट हम लोगों ने डी लो तक का यहाँ पे लिया था। तो यहाँ पे एम पैटर्न बना हुआ था, उस पर हम लोग ने आज ट्रेड किया है। तो अभी मैं पहले सारे ड्राइंग रिमूव कर दे रहा हूँ गाइस। ओके, तो अब हम यहाँ पे अगर इसको देखेंगे, तो सबसे पहले मैं इसको डेली कैंडल में देखना चाहूँगा, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे प्लान करेंगे कि मार्केट एक डाउन साइड में या एक अप साइड में है। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट आप देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे एक बड़े टाइम फ्रेम में क्रिएट किया हुआ था, आप ये देख रहे हैं, ये देखिए, और जिसमें किसने एक फर्स्ट टारगेट अपना दे चुका है और एक डबल बॉटम करके यहाँ पे चढ़ा हुआ है। और आज का कैंडल हम देखेंगे कहीं ना कहीं एक साइड वेस की तरह यहाँ पे एक कैंडल बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है अगले दिन के लिए, तो कहीं ना कहीं अभी भी मार्केट एक बुलिश पैटर्न पे यहाँ पे कहीं ना कहीं भी यहाँ पे अपने आप को सस्टेन कर रहा है, और ये जब तक इस लेवल के नीचे ये सस्टेन नहीं करता है, तब तक ये कहीं ना कहीं अभी भी एक बुलिश पैटर्न में है, जो ये आने वाले समय में एक अच्छा टारगेट यहाँ तक का भी दे सकता है गाइस। तो हम लोग ये जो पैटर्न बनाया है, इस पैटर्न को देखेंगे, और अगले दिन अगर कहीं इसके ऊपर जाता है, तो यहाँ से एक हम लोग को एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। अब इसको हम लोग सबसे पहले 15 मिनट कैंडल में देख लेते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे अगर हम लोग 15 मिनट कैंडल में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट एक साइडवेज में आज के दिन पूरा गया हुआ है। मार्केट आप देखेंगे तो एक साइडवेज मार्केट था यहाँ पे गाइस, और ये अभी भी यहाँ से आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड के लिए ये कंटिन्यू मूवमेंट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आके एक साइडवेज चला गया है। कल के दिन गाइस एक ये लेवल इम्पोर्टेंट होगा और एक ये लेवल गाइस, अगर हम देखेंगे तो कल के लिए ये एक बहुत ही अच्छा खासा ये अपने आप को रेंज में बना लिया है, और इस रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है, तो हम लोग वेट करेंगे और अपसाइड या किसी डाउन साइड में हम लोग देखेंगे। कहीं मार्केट अगर क्लोज करता है, तो हम लोग एक अच्छा नीचे के लिए ये एक टारगेट हम लोग को मिल जाएगा, और अप ट्रेंड के लिए एक ये टारगेट हम लोग को मिल सकता है गाइस। तो कहीं ना कहीं एक यहाँ पे ट्रेड लाइन भी, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक ट्रेड लाइन भी कंटिन्यू चलते हुए आ रहा है, जिसका हम लोग को एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए अगर इस रेंज के अगर कहीं ना कहीं मार्केट फ्लैट ओपन होता है इस रेंज में, और यहाँ पे कहीं अच्छा ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग यहाँ पे एक प्लान कर सकते हैं, और सेम अगर नीचे की तरफ जाएगा तो हम लोग यहाँ पे करेंगे। अगर मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपन हो जा रहा है, तो हम लोग वेट करेंगे एक प्राइस एक्शन का, क्योंकि इसके पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस है पहले से ही। तो इस रेजिस्टेंस पे कैसा यहाँ पे ये अपने आप को बिहेव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। और गैप डाउन खुलेगा गाइस, तो यहाँ पे एक साफ सेलिंग आ सकता है, क्योंकि जो भी यहाँ पे
पोजीशन बना के बैठे हुए हैं, उनके लिए है कि मार्केट अभी भी अप ट्रेंड में है, और अगर ये नीचे एक साइड ओपन होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ से एक सेलिंग हम लोग को देखने मिल सकता है, जो एक अच्छा खासा सेलिंग नीचे की ओर दिखा सकता है गाइस। ये हो गया गाइस निफ्टी। अब हम लोग देख लेते हैं इसके बाद बैंक निफ्टी को। तो हम यहाँ पे गाइस बैंक निफ्टी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे एक एम पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ था, और यहाँ पे एक अच्छा खासा बहुत ही छोटा सा एसएल यहाँ पे रख के हम लोग ने ट्रेड बनाया हुआ था। और ये देखिए अब छोटा सा एसएल, और ये यहाँ पे सेकंड कैंडल में एंट्री लिया गया था, और एक यहाँ पे एक अच्छा खासा डेलो तक का एक अच्छा खासा टारगेट यहाँ पे हम लोग को अचीव हुआ गाइस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ड्राइंग रिमूव कर दे रहा हूँ, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं वीकली कैंडल से स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी को। तो वीकली कैंडल पे देखेंगे तो 50 लेवल के कहीं ना कहीं ऊपर ही है, और ये नीचे आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके पास एक हैडल है जो रेजिस्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। यहाँ पे ये पॉइंट एक इसका सपोर्ट का काम कर सकता है, क्योंकि यहीं पे मार्केट दो बार सस्टेन हुआ था और यहाँ तक कंटिन्यू किया था, वापस से गिरा था और वापस यहाँ पे आया, और ये यहाँ पे फर्स्ट स्नेक इस लेवल का सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दिया है। हो सकता है यहाँ पे एक रिटेस्ट करने आए और देन फिर यहाँ पे कंटिन्यू कर सकता है। डेली कैंडल में हम लोग देख लेते हैं, डेली कैंडल में अगर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कहीं ना कहीं मार्केट अपने अपर लेवल पर यहाँ पे सस्टेन किया हुआ है, तो यहाँ पे ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट एक अब मूव के लिए रेडी हो रहा है, और एक डब्ल्यू पैटर्न बना के यहाँ पे चढ़ने का प्रयास किया है, और यहाँ पे एक दिन आज सस्टेन किया है। अगले दिन मार्केट हो सकता है गैप अप खुल जाए, और गैप अप खुलने के बाद एक अच्छा खासा यहाँ से हम लोग को एक पुल बैक देखने को मिल सकता है। तो इसको हम लोग 15 मिनट कैंडल में देख लेते हैं। पंद्रह मिनट कैंडल में देखेंगे तो ये भी आज कहीं ना कहीं एक साइडवेज रेंज में ही गया है। अगर हम इसको देख रहे हैं तो ये एक साइडवेज रेंज में गया हुआ है, और कल के लिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गए, इसको अगर इस लेवल को क्रॉस करता है इस लेवल को, तो यहाँ पे एक अच्छा बाइंग मिल सकता है हम लोग को एक यहाँ तक के टारगेट के लिए। और अगर मार्केट कहीं फ्लैट ओपन हो के नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है, तो हम लोग का पहला टारगेट ये बन सकता है, और एक दूसरा टारगेट हम लोग ये भी बना सकते हैं। तो हमें ये दो टारगेट देखने को यहाँ पर मिल सकता है बैंक निफ्टी में कल के दिन, लेकिन हम लोग को वेट करना रहेगा ये साइडवेज मार्केट को ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन करने के लिए। अगर ब्रेकआउट खुल जाता है तो कहीं ना कहीं टारगेट तो उसी में डन हो जाएगा, लेकिन ये रेजिस्टेंस के लेवल पे आपको एक पुट साइड में पोजीशन देखने को मिल सकता है, जहाँ से एक रिजेक्शन आ सकता है कुछ 100 से 150 पॉइंट का यहाँ से, और गैप डाउन में यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ से एक रिटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है, जो कि आप इस कैंडल में आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसमें हम लोग प्लान कर सकते हैं। तो आज के लिए गाइस इतना ही, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू। तो हम यहाँ पे गाइस बैंक निफ्टी देख लेते हैं।